शादी टूट गई क्योंकि तेरी बेटी में ही प्रॉब्लम थी, मेरे बेटे में नहीं। और आपका बेटा तो गुणों की खान है ना, और कल एक ही दिन में उसने अपने सारे गुण दिखा दिए, और वो भी सबूतों के साथ। मैं अपनी बेटी को आपके घर कभी नहीं भेजूंगी। अरे तू क्या नहीं भेजेगी, मैं ही नहीं लेके जाने वाली। छह लोग रहते हैं आपके घर में, लेकिन एक इंसान भी विश्वास के काबिल नहीं है। और आपका वो बेटा सब चरित्रहीन निकले। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे चुलोचना ताई, ये चरित्र ये संस्कार सब तुम्हारे मुंह में अच्छे नहीं लगते। और तेरी बेटी कहाँ कहाँ जाके क्या क्या गुल खिलाते हैं, बोलू क्या सबको? सविता जी, अरे सतीश जैसा अच्छा लड़का भी उसे छोड़ कर गया, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की वेश्या घर में जाती थी। अरे आप ही तय कीजिए सही कौन गलत कौन। अगर आप हमारे जगह होते तो ऐसी बचलन लड़की को आप बहू बना लेते। नहीं ना, इसीलिए हमने भी इसको इसके घर वापस भेज दिया, शादी तोड़ दी। दादा खाना रख देवा, मैं खा लूंगा। दादा कब तक आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे? आप एक बार जाकर वहीं से बात क्यों नहीं कर लेते? तुझे लगता है मेरी बात सुनेगी? दादा जितना मैं वहिनी को जानती हूँ तो मुझे लगता है कि वहिनी आपसे बहुत प्यार करती है। शुरुआत तो आपको ही करनी होगी ना, वरना ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाए और फिर रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाए। नहीं बंधु, नहीं बंधु, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बंधु मैं अर्चना के बगैर अब जी नहीं सकता। मैं जाऊंगा अर्चना के पास, एक आंच नहीं आने दूंगा इस रिश्ते पर। ये रिश्ता मेरी जिंदगी बन चुका है, अगर ये एक बंधन टूट गया ना तो मैं भी टूट जाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा बंधु। सात फेरों के साथ सात वचनों से बना हुआ मेरा ये पवित्र रिश्ता है, और मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा वेनब? सविता जी की बातों का गहरा सदमा पहुंचा है इनको, इसी वजह से इनकी यह हालत हुई है। मानव नहीं विनोद, तुम आई के पास बैठो। अब क्यों आया हो तुम यहां? क्या तुम्हारी आई से कोई कसर छूटी थी जो पूरी करने तुम आया हो? आई काफी अपमान कर चुकी है वो हमारा, बहुत बहुत कुछ सुनाया है उसने अर्चु को। बाबा मुझे हमारी बेटी छोड़ी हुई चीज है ना, तो क्यों उसके पीछे तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो मानव? बाबा मुझे मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ आई थी और इतना कुछ बोल के चली गई। अर्चना मुझे सच में कुछ मालूम नहीं है, मेरा यकीन करो अर्चना, मैं गलत नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है, एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो। अर्चना मैं उस दिन ही कहने वाला था, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं पाया।